सहनावतो सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नवधीतमस्त मिशा ओ शांति 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 वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है विगत कक्षा में हमने थोड़ी सी चर्चा दिनचर्या के विषय में की थी अपने जीवन को ठीक ठीक रोग मुक्त बना करके हम अपने लक्ष्य तक पहुँचें इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या पर पूरा नियंत्रण रखें क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य हमारा तन और मन स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने कर्तव्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं बिना दिनचर्या किए कोई भी व्यक्ति इसको अर्थात इस जीवन को ठीक ठीक नहीं जी सकता है ये दिनचर्या हमारी जैसे पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा की थी कि प्रातः जागरण से आरंभ होती है और प्रातः जागरण बहुत ही आवश्यक है जिसको ऋषियों ने और प्रबुद्ध महापुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म वेला के नाम से पुकारा है कहा है जिसको हम धारण करके अपने जीवन को ब्रह्ममय बना सकते हैं क्योंकि उस समय जो ब्रह्म मुहूर्त है जिस समय से दिनचर्या आरंभ होती है उस ब्रह्म काल में हम मौन होकर के शांत होकर के उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन मनन करते हैं और पूरे दिन की क्या दिनचर्या होगी क्या हमारा लक्ष्य रहेगा इसके विषय में चिंतन करते हैं ओम स्वामी जी जी स्वामी जी ये दिनचर्या क्या है और किसके लिए है थोड़ा जा इसके बारे बताएं। दिनचर्या के विषय में जैसे हमने पहले चर्चा की थी दिनचर्या दो प्रश्न आपने पूछ लिए दिनचर्या क्या है और ये किसके लिए है ये भी इसमें जोड़ सकते हैं क्यों करें तो दिनचर्या तो जैसा मनुष्य के लिए बनाया है विधान उसमें तो मनुष्य आलस्य प्रमाद करता है उसका पालन बहुत कम लोग कर पाते हैं लेकिन ये व्यक्तिगत दिनचर्या मनुष्यों के लिए ही विशेष होती है क्योंकि ये जो पशु पक्षी हैं उनके लिए कोई अलार्म की आवश्यकता नहीं है उनको जगाने की आवश्यकता नहीं है उनको किसी कार्य में आ, कि इस समय तुम उठो इस समय खाओ इस समय ये करो उनको कोई निर्देशन देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो सहज उनके साथ वो घटित होता है वो प्रकृति उनको स्वयं वो चीज़ प्रदान कर देती है लेकिन जहां बात रही मनुष्यों की दिनचर्या तो दिनचर्या के विषय में हमने कहा कि जो चर्या है जो चेष्टाएं हैं उन उसको हम दिनचर्या कहते हैं इसके विषय में और यदि स्पष्टता से आप आ, समझना चाहते हैं तो आ, लिख लीजिए आप चरणम चर्या चरणम चर्या। चर्या।, ये चर्या क्या है चर्या चर्या।, अर्थात, आप इसको चर्या क्यों कह दिया जिसका हम आचरण करते हैं वो चर्या कहलाती है जिसका हम प्रातः जागरण से लेकर के शयन पर्यंत जो हमारी चेष्टाएं हैं जो हमारे कर्तव्य हैं जो हमारा आचरण है जो हमारा व्यवहार है वो क्या कहलाता है चर्या कहलाता है वो वो क्या कहलाएगा चर्या जो चेष्टा है हमारी जो हमारा आचरण है वो क्या है चर्या है और प्रत्येक व्यक्ति को यह चर्या अवश्य करनी चाहिए क्योंकि आचरण यदि आपका ठीक रहेगा दिनचर्या आपकी ठीक रहेगी तो तभी इसका लाभ मिलेगा हमको आचार्यों ने जो है इसके लिए स्वस्थ हम रहे तन से मन से इसलिए ये चर्या का विधान किया है और चर्या के आधार पर क्योंकि जो नियम बनाए हैं जो चरण रूप है अर्थात जो आचरण का स्वरूप है जो आचरण का स्वरूप है वही चर्या है जिसको हम अपने ऊपर उतारें उसको हम ढालें अपने जीवन में इसलिए उसको चर्या कहते हैं और शरीर से संबंधित तो दो प्रमुख चर्या हैं यद्यपि हमने चार चीज़ें लिखाई थी स्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार विहार विचार और व्यवहार और भी इसको और कम करना चाहें तो दो चीज़ें पर्याप्त इसके लिए हैं आहार और विहार विहार मतलब जो चर्या है उठना बैठना सोना जागना हमारी जो चेष्टाएं हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी और इसको जो है आचार्य लोग ये कहते हैं कि आचाराद आयुर्लभ्यते आचरण करने से ही आयु बढ़ती है इस इसको भी सूक्ति को लिख लीजिए बहुत आवश्यक है ये चरणम मतलब जो आचरण है वही चर्या है और चर्या से क्या मिलेगा आचारात मतलब आचरण से क्या होगा आचरण से आयु बढ़ेगी तो इसको लिख लीजिए आचारात आयुर्लभ्य आचाराद आयुर्लभ्य आचरण से ही आपकी दिनचर्या आपके आचार व्यवहार से क्या है आयु का बड़ा संबंध है इसलिए इसको आपने प्रश्न किया कि ये चर्या क्या है दिनचर्या क्या है अब उसके आगे की मैं बात कहूँगा ये जो चीज़ है जिसका हम पालन करके जीवन को दीर्घकाल तक जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं इस पर विशद चर्चा हम आगे करेंगे अभी आपके प्रश्न पर पुनः आते हैं कि चरणमचर्या ये तो चर्या हो गई अब उसको तीन विभागों में बांट दिया चर्या को तीन विभागों में बांट दिया क्या कहा कि चर्या के तीन स्वरूप मान करके इनका वर्णन अपेक्षित है पहली क्या है दिनचर्या पहली क्या है दिनचर्या मतलब जो प्रातः जागरण से हम शुरू करते हैं दिनचर्या हो गई वो थोड़ी सी चर्चा हमने पहले भी की थी इसकी दूसरा क्या है रात्रिचर्या रात्रिचर्या और तीसरा है ये तो उसी में आएगा जीवनचर्या में ही आएगा ऋतुचर्या इसका बहुत ही महत्व है ऋतुचर्या ऋतुचर्या ऋतु के अनुकूल हम कार्यों को करें ये ऋतुचर्या इसमें भी महत्व की बात बताई जा रही है कि ये जो चरणम जो आचरण है जो हमारी क्रिया कलाप है जो हमारी चेष्टाएं हैं वो दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या के नाम से जानी जा सकती हैं उनको हम समझ सकते हैं इस पर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं ओम स्वामी जी जी ये पिछले साल ए, पिछले साल ए, 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 एक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था जी और उसको इसी बात का नोबल पुरस्कार मिला था कि प्रातः काल उठना चाहिए और उसी पर वो पूरा टिप्पणी दिया था और हमारे ऋषि मुनि चार हजार साल पहले ही इस चीज का व्याख्यान कर चुके हैं और हमारे आज के युवा मतलब इस चीज का पालन नहीं करे काल हाँ उठने हाँ तो का तो उस विषय में हाँ तो यही हम जानने का समझने का और उसके मंडन का प्रयास कर रहे हैं कि वस्तुतः जो हम भूल गए हैं ये अब उसमें नोबल पुरस्कार मिल रहे हैं या भारत रत्न पुरस्कार जो भी मिले वो हमारे अलग विचार हैं कि अब ये चीज़ है जैसे ये तो स्वाभाविक है ये तो करना ही है ये ऋषि मुनियों की जो प्रेरणा है जो उनका उपदेश है उनके जीवन का जो सार है उसको तो आचरण करना ही करना है परंतु जो भूल गए हैं जो हम दुखी हैं परिवार में संसार में अनेक रोगों से ग्रसित हैं उनको दूर करने का यदि कोई उपाय है तो अपनी दिनचर्या को ठीक करें अपनी चर्या को ठीक करें अर्थात दिनचर्या हो रात्रिचर्या हो अथवा ऋतुचर्या हो इसको ठीक करेंगे तो तन मन से हम स्वस्थ और सुलभ जो हमको मिला है सब कुछ उसका हम ठीक ठीक सेवन करके अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं जी रात्रिचर्या क्या चाहिए वो तो अभी चर्चा करेंगे अभी दिनचर्या पहले हम अभी सुबह से ले रहे हैं प्रातः जागरण से शुरू हो रहा है उसको भी आगे लेंगे जी ओ मचर जी नेचर से देखा जाए तो यदि जहाँ लाइट वगैरह नहीं होती तो वहाँ साढ़े तीन चार बजे अपने आप पक्षी जगा देते हैं लोगों को जी ये तो नेचर ने भी सिखा रखा है हाँ नेचर ने सिखा रखा इसी इसीलिए तो मैंने पहले कहा जैसा इन्होंने प्रश्न किया कि दिनचर्या है क्या और किसके लिए है ये दिनचर्या किसके लिए यहा यहाँ तो पशु पक्षी अपने आ, नियमों का पालन करते ही करते हैं जैसा उनको प्रकृति ने बना दिया वो वैसा ही करेंगे लेकिन दिनचर्या किसके लिए है ये जो सामाजिक प्राणी है सामाजिक जो पशु है मनुष्य इसके लिए अलार्म भी लगाता है अन्य बोलता है हमको जगा भी देना फिर भी जगता नहीं है तो ये दिनचर्या इसके लिए है और ये क्यों है दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये जिसकी दिनचर्या ठीक है अर्थात प्रातः जागरण से पर्यंत जिसके स्वभाव जिसके व्यवहार ठीक है वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है आप महापुरुषों के जीवन को उठा के देखें कि उनके जीवन में उनकी दिनचर्या का क्या महत्व था तो आपको पता चलेगा कितना वो व्यस्त रहते थे कितना स्वस्थ रहते जी स्वामी जो किसके लिए प्रश्न मैंने पूछा था उसका तात्पर्य था भी हमने वैदिक गुरुकुल में शब्द सुना है पहले नहीं सुना जी 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 क्या जो बाहर समाज में है यहाँ पर जो चर्चा हम कर रहे हैं हाँ। ये मानव मात्र के लिए है और आप यहाँ वैदिक गुरुकुल में आकर के दिनचर्या शब्द सुने हैं बहुत अच्छी बात है और ये सत्य भी है कि लोग जानते ही नहीं दिनचर्या नाम की चीज भी कोई है वो तो मनमानी ढंग से जब मनाया उठे जब मनाए सोए जब मनाए खाए जब मनाए अन्य कार्य किए कोई नियंत्रण नहीं है लेकिन जो गुरुकुलीय परंपरा है वो जीवन जीने की कला सिखाती है एक एक समय का नियोजन कैसे करना है किस समय उठना किस समय स्नान करना किस समय योग प्राणायाम करना किस समय ध्यान करना किस समय भोजन करना ये सारा जो क्रमिक कार्य है वो केवल गुरुकुल दिनचर्या में ही आपको मिलेगा बाहर तो इतनी भागदौड़ है कि लोग समझते नहीं ये भी कोई चीज है जी स्वामी जी कर्मयोगी भाई हैं आधुनिक भारत में कैसे दिनचर्या पूरा करेंगे जी। जिनकी दिन रात ड्यूटी रहता है जी तो ये लोग कैसे करें और गृहस्थ लोगों के लिए क्या है दिनचर्या ये सारी बातें हम करेंगे और अभी इस पर और फोकस देते हैं क्योंकि ये जो व्यक्ति अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं इस जगत में आकर के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए तो ये नितांत आवश्यक है कि वो समय से सोएं समय से उठ कर के ये क्रिया करें परंतु आधुनिक समय में जो लोग केवल धन को प्रधानता देते हैं केवल भौतिकता को ज़्यादा महत्व देते हैं तो दोनों हाथ में तो लड्डू नहीं हो सकते हैं लोग अब इसको फ़ैशन बना लिए हैं और लोग कहते भी हैं कि फैस फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें कई दुकानों में हमने देखा कि उस स्टीकर फिर लगा देते हैं कि फैशन के ज़माने में गारंटी की इच्छा ना करें तो ये जमाना फैशन का क्यों है मैं इसको जीवन से लगा के देखता हूँ कि जो व्यक्ति भौतिकता के फैशन में अपने आप को रंग लिया है तो अपने जीवन की भी गारंटी वो ना रखे कब उसके जो है आ, उसका दिन कब पूरा हो जाए कब उसको अनेक रोग आ जाए ये कह नहीं सकते लेकिन ये बात भी सत्य है कि आज के इस भाग दौड़ में व्यक्ति 24 घंटे कार्य में लगा रहता है नहीं करेगा तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी जो जवान राष्ट्र की रक्षा के लिए 24 घंटा जगते हैं ड्यूटी करते हैं तो उनके ऊपर भी प्रश्न उठता है क्या वो दिनचर्या दि करें वो समय से सोए समय से जागे तो राष्ट्र को तो तब तो आतंकी ने काम कर दिया फिर तो जो नितांत आवश्यक है पहले भी ऐसा होता था वो लोग अपने संतुलित आहार को लेते रहें संतुलित विचार को रखें और संतुलित शयन वो करें आपाधापी नहीं संतुलित करें राष्ट्र रक्षा के लिए राष्ट्र के वैभव के लिए सुख समृद्धि के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा लेकिन यह जो है आ, संतुलित हो मर्यादित हो तब तो वो कोई दिक्कत नहीं है और राष्ट्र ऐसे ही चलता है ठीक है थोड़ी सी और इस पे चर्चा करते हैं दिनचर्या को और स्पष्टता से समझने का तो यह बात समझ में आ गई कि चरणम चर्या जो हम आचरण करते हैं प्रातः से सायं पर्यंत वो चर्या कहलाती है और बिना चर्या के बिना सदाचरण के हमारा जीवन स्वस्थ नहीं रह सकता हम दीर्घ आयुष्य को प्राप्त नहीं हो सकते हैं अब इसको और सरल शब्दों में कहें तो दिने 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 चर्या दिने दिने चर्या बराबर दिनचर्या हो गई ठीक है ना दिन दिनचर्या ऐसे भी कर सकते हैं आपको जो आपको अच्छा लगे जो समझ में आ जाए उसको आप ग्रहण कर लें चर्या, दिन दिनचर्या दिनचर्या अथवा चर्या जो दिन में हम चर्या करते हैं जैसे अभी आ, किसी ने प्रश्न पूछा कि रात्रि चर्या क्या है दिनचर्या की बात ज्यादा करें रात्रि चर्या क्या है तो रात्रि चर्या तो अल्पकाल की होती इसलिए उस पर ज्यादा फोकस नहीं देते यद्यपि देना है अभी जब उसका क्रम आएगा तो उस समय हम उस पर ज्यादा प्रकाश देंगे परंतु दिनचर्या का तात्पर्य है कि प्रातः चार बजे से लेकर के तीन बजे से लेकर के हम रात्रि नौ दस बजे तक चर्या करते हैं और वो रात्रि चर्या जो है वो अल्पकाल की होती है उसका अवसर आएगा तो बोलेंगे इसलिए दिनचर्या पर ज्यादा प्रभाव हम प्रकाश ज्यादा डाल रहे हैं जी ओम स्वामी जी जी प्राणियों अलग अलग मनुष्यों को छोड़ के लगभग अपना अपना दिनचर्या करते हैं उल्लू थोड़ा लेट में उठता है बाकी चौरासी लाख जीव जंतु सभी लगभग सुबह सूर्योदय का पहले जग जाते हैं और अपना अपना काम में ऑटोमेटिक लग जाते हैं किसको कोई बोलना नहीं पड़ता और उनका आयु भी ठीक है जी कौन सा कारण है जो मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी होते हुए भी हम अपना दिनचर्या ठीक से पालन नहीं कर पाते इससे कौन सा असर है मनुष्य का ऊपर ये जानकारी चाह रहे दिनचर्या पालन न करने से अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं और जैसा कि कहा कि दिनचर्या यदि ना करें तो क्या इससे हानि है दिनचर्या के लिए क्यों इतना जोर दे रहे हैं हमारे ऋषि मुनि और दिनचर्या तो स्वाभाविक है एक पक्षीय भी है वो अपने आप हो जाएगी क्यों करें ऐसा लेकिन जब आला से प्रमाद में हम आते हैं तो वो चीज़ें छूट जाती हैं ऋषियों ने जो दिनचर्या की व्यवस्था की है उसके मूल में मुख्य कारण क्या है कि हम निरोगी रहें और दीर्घ आयु को प्राप्त हो ताकि हम शुभ कर्मों को अधिक से अधिक करें राष्ट्र के कल्याण के लिए अधिक से अधिक पुरुषार्थ करके उसको वैभव तक पहुंचाएं ये मूल विचारधारा है कि दिनचर्या हम स्वस्थ रखें दिनचर्या को अच्छी बना के रखें जिससे हम तनावग्रस्त भी नहीं होंगे अनेक इसके लाभ हैं उसके लाभों का जब हम जिक्र करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि दिनचर्या का पालन करो ये दिनस दिनचर्या दिन दिने दिनेचर्या चर्या क्यों है इसका कोई प्रयोजन है या बिना प्रयोजन के ही चल रहा है तो इसका प्रयोजन है और बहुत बड़ा प्रयोजन है इसको आप लिख लीजिए क्योंकि हम सब इसी पथ पत के पथिक हैं ऐसा ही जीवन जी करके हम लक्ष्य को प्राप्त होंगे तो एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है चरक का है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम तन मन से हम निरोग रहे हम्म धर्म काम काम मोक्षाण आरोग्यम धर्मार्थ काम मोक्षाण आरोग्यम आरोग्य मूल उत्तम जी मूलोत्तम मूल उत्तम मूल धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमोत्तम हाँ हाँ धर्म हाँ धर्म ठीक है धर्मार्थ नहीं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम और कहा रोगास ये बहुत ही अच्छा है रोगास तस्य रोगास्तस्य अपहर्ता रः रोगस्तपस्य रोगस्तस्य अपस्तहारतारा हरतारः श्रेयसो जीवितस्य च श्रेयसो जीवितस्य जीवितस्य एक बार उच्चारण करेंगे धर्मार्थ काम मोक्षणां धर्मार्थ मूलम उत्तमं आरोग्यं मूलम उत्तमं और रोगस्तपस्य परहर्ता रहा रोगस्तपस्य परहर्ता और रोगा रोगा है ना रोगस्तस्य परहर्ता रहा श्रेयसो जीवितस्य त्रेय ये दिनचर्या का पालन हम क्यों करें क्योंकि हमारी जो चेष्टाएं हैं हमारा जो आचरण है वो चार चीजों के लिए ये जीवन मिला है और चार चीजों की सिद्धि ही इसका प्रमुख लक्ष्य है यदि जीवन में हम इस कार्य को नहीं कर पाए तो जीवन हमारा निरर्थक है इसका कोई अर्थ नहीं है पहला क्या है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमोत्तम पुरुषार्थ चतुष्ट इसको कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्ट इसको कहते हैं कि ये जो भारतीय जीवन दर्शन है उसका मूल ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के यह चार सोपान हैं और इन सोपानों में आरूढ़ होने के लिए इन सोपानों पर चलने के लिए अर्थात इस मार्ग का पथिक बनने के लिए हमको शरीर से मन से तन और मन से पूरा स्वस्थ रहना परम आवश्यक है तो बिना दिनचर्या के पालन किए बिना प्रातः जागरण किए ब्रह्म मुहूर्त में उठे या जो जो दिनचर्या में आता है जो ऋषियों के द्वारा हमको बताया गया है समझाया गया है उसके बिना हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते सिद्धि के लिए ये परम आवश्यक है क्या आरोग्यम आरोग्यता बहुत आवश्यक है इन चार चीजों के लिए धर्म के लिए अर्थ के लिए काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस चार चीज़ों के लिए ये मूल है क्या आरोग्य बिना आरोग्य के हम नहीं इन कार्यों को सिद्ध कर सकते इसलिए यह बार बार यहाँ पर संकेत करते हैं कि इसको करना ही करना है क्यों क्योंकि रोगाह तस्य अपहर्तारः ये रोग जो आएंगे तो इसके अपहर्ता ये इसको चुरा ले जाएंगे इसको ये बाधक है धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में जो रोग है वो बहुत ही बड़ी बाधा बहुत बड़ा जो है कांटा बनकर के सामने खड़ा हो जाता है खाई है ये रोग क्योंकि रोग आने से व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ करने की लगती है उनसे पूछिए जो रोगी हैं कि जीवन क्या होता है उनसे पूछिए जो देख नहीं पाते, अंधे आँखों की कीमत क्या है कानों की कीमत क्या है। जो बोल नहीं पाते गूंगे हैं जुबान की कीमत क्या है उनसे पूछिए जिनके हाथ नहीं है हाथ की कीमत क्या है उनसे पूछिए जो चल नहीं पाते पैरों की कीमत क्या है यह हमारा शरीर बस जैसे हमको दिखाई पड़ रहा है तो स्वस्थ ऐसे मिल गया जैसे आ, सौगात में तो हम इसकी कीमत नहीं समझते परंतु उनके दिलों से पूछो जिनके अंग काम नहीं करते उन अंगों के लिए वो तरसते हैं इस शरीर की कीमत क्या है एक रोगी से पूछो जो रोगी रोगों से ग्रस्त है त्रस्त है जिसको ना कुछ अच्छा लगता है न कुछ देखना अच्छा लगता है न कुछ खाना अच्छा लगता है न कुछ सुनना अच्छा लगता है न बोलना अच्छा लगता है न कुछ करना अच्छा लगता है ऐसा व्यक्ति जिसको बोलना देखना सुनना सूंघना चलना फिरना अच्छा नहीं लगता वो क्या धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा कदापि नहीं कर सकता इसलिए ये सारे अंग हमारे ठीक ठीक काम करें तो आज यहीं तक शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे ओ शांति शांति शांति